दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए सामान को कैसे वापस करते हैं या फ्लिपकार्ट पे सामान को कैसे रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग जैसा दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माई ऑर्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद जिसको आपको वापस करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा मैसेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है रीजन फॉर रिटर्न, यानी कि आप इसे क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर ढेर सारा मैसेज देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसके बारे में समझना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो इन सबको गूगल ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग समझ सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे उसका रीज़न दें कि हम इसे क्यों वापस करना चाहते हैं या क्यों हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लिया और कुछ मैं रीज़न में दे देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर माउस स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो माउस स्क्रॉल बटन नॉट वर्किंग या प्रॉब्लम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद पहले वाले बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट यूपीआई आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे एक नया फीचर ऐड हुआ है, यानी कि आपका पैसा वापस करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना पेटीएम चलाते हैं या फ़ोनपे चलाते हैं, जो भी चलाते हैं उसका यूपीआई आईडी यहाँ पर दे देना है, या बैंक अकाउंट भी आप दे सकते हैं। बैंक का डिटेल यहाँ पे नीचे है। तो फिलहाल हम मैं इस वीडियो में अपना यूपीआई आईडी दूंगा क्योंकि ये ही रहता है। और यहाँ पे मैसेज में दिया है कि यूपीआई आईडी से आपका 24 घंटे के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। यदि आप बैंक अकाउंट डिटेल देंगे तो पैसे आने में 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो चलिए हमारे पास पेटीएम है, तो हम अपने पेटीएम का यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देंगे। यदि आप फ़ोनपे गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। मे भी शायद हम इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किए, हमारे पास पेटीएम है, तो हम पेटीएम को हम आपको ओपन करके दिखाएंगे कि कहाँ से आपको यूपीआई आईडी मिलेगा या प्राप्त होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर जो मान लीजिए यहाँ पे गेट यूपीआई आईडी पे आप क्लिक करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर वो ऑटोमेटिक अपने से आपके नंबर और एग्जाम्पल पे YBL ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल में दे देगा। तो आपको उसको कट करना है। कट करने के बाद आपको अपना UPI ID देना है। तो चलिए हम आपको Paytm में दिखाते हैं कहाँ से आपको UPI ID मिलेगा। Paytm ओपन होने के बाद आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कैनर है और बगल में आपको यहाँ पे UPI ID शो हो रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी वाले पे क्लिक करना है और इस जगह पे आपको क्या कर देना है कि पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर में आपका बैंक का डिटेल, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, रिफंड वाले पे। जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रिटर्न सक्सेसफुल इनिशिएटेड। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए सामान को वापस कर सकते हैं और उसका जो इतना पैसा लगा है उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। तो आप बैंक का अकाउंट भी दे सकते हैं यूपीआई के जगह पे। यदि आपके पास यूपीआई नहीं है तो आप बैंक का डिटेल दे सकते हैं, लेकिन बैंक का डिटेल देने में यहाँ पे वहाँ पे मैसेज हो रहा था जिसको हमने दिखाया नहीं है, 3 से 4 दिन लग जाएगा। और यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो वो 24 घंटे के अंदर पैसा दे देगा। संभवतः ये रहता है कि जैसे ही वो पिकअप होता है सामान, उसके 1 घंटे के अंदर ही आपका पैसा वापस आपके बैंक में आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।